शिकंजी मसाला की रेसिपी दिखाएंगे। इंस्टेंट है ये, आप इसको घर में अगर बना के रखेंगे तो रमज़ान में इफ्तार टाइम में आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि उस वक्त टाइम कम होता है और जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। तो अगर आप ये मसाला बना के रखे रहेंगे तो बस आपको इसको पानी में घोलना है और आपको शिकंजी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दिन भर की प्यास और भूख के बाद इफ्तार टाइम में लगता है कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए रिफ्रेशिंग सा, तो ये वही ड्रिंक है। आप इसको घर में जरूर ट्राई करिएगा और बना के रखिएगा। मैंने फ्लेवर्ड मिल्क की भी रेसिपी डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी आप रमज़ान में इफ्तार टाइम में बना के रख सकते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ उसको मैंने कैसे तैयार किया है और आप नोट डाउन कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। शिकंजी मसाला पाउडर के आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। 1 टीस्पून ये काला नमक है, 1 टीस्पून जीरा है और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा हमने लिया है, 1/2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च है साबुत। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने एक जार ले लिया है, इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। काला नमक, जीरा, भुना हुआ जीरा, नमक और काली मिर्च। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। ये इंस्टेंट शिकंजी पाउडर तैयार है। अब इसको यूज कैसे करना है, या तो आप इसी में साथ में चीनी पीस सकते हैं, या फिर आप जब आपको बनाना हो, 1 ग्लास बनाना हो, 2 ग्लास बनाना हो या 6 ग्लास बनाने हो, उसी वक्त आप चीनी को घोल सकते हैं, या फिर आप इसमें भी चीनी साथ में पी सकते हैं। तो मैं आपको इसमें चीनी साथ में पीस कर दिखा देती हूँ और फिर हमारा इंस्टेंट शिकंजी पाउडर तैयार हो जाएगा। आपको बस फिर कुछ नहीं करना होगा, इसको 1 ग्लास में घोलना होगा और नींबू निचोड़ना होगा और आपका शिकंजी तैयार हो जाएगा। शिकंजी पाउडर रेडी है। अब इसमें मैं चीनी डालूंगी, मैंने 1 कप चीनी ली है, मैंने जार में डाल दिया है, और 1/2 कप चीनी मैं और लूंगी। 1/2 कप चीनी मैं इसमें और डाल रही हूँ, और 1 मैंने इलायची ली है, इसके दाने मैं खोल के डाल दूंगी। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे दोबारा। इंस्टेंट शिकंजी पाउडर बिल्कुल तैयार है। आपको इसमें आप कुछ नहीं करना है, बस 1 टेबलस्पून आपको इसका पाउडर लेना है और 1 नींबू लेना है और बस इसको मिला देना है और बर्फ डाल के आप इसको सर्व करें। मैं आपको शिकंजी बना के दिखा देती हूँ। मैं इसमें से 1 चम्मच डाल रही हूँ और नींबू ले लेते हैं। आप इसको रमज़ान के लिए बना के रखें, जब रोज़ा खुलता है इफ्तार के टाइम में, लगता है कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए, अच्छा रिफ्रेशिंग कूल सा, तो उसके लिए ही आप तैयार करके रख सकते हैं। बहुत ही इससे ताजगी मिलेगी दिन भर की भूख के बाद, प्यास के बाद, ये आपको बहुत ही ताजगी देगा। अब इसमें मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ। आप भी चाहें तो क्यूब्स भी डाल सकते हैं। शिकंजी तैयार है। आप इसे सर्व करते वक्त इसमें पुदीना, फ्रेश पुदीना को हाथ से ही तोड़ के थोड़ा सा डाल दीजिए और सर्व करिए। आप इसको घर में ज़रूर बना के रखें, रमज़ान आ रहा है, उसकी तैयारी करके रखें। आप इसमें चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल मिनिमम चीनी डाली है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, और नींबू भी मैंने इसमें 1 ग्लास में 1 डाला है, आप चाहें तो नींबू ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चीनी और नींबू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल मिनिमम वाला चीनी ऐड किया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। मैंने और भी रेसिपीज डाली हुई हैं, मैंने आलमंड मिल्क की डाली हुई है, फ्लेवर्ड मिल्क की डाली हुई है, वो भी देख सकते हैं, रमज़ान में वो भी बहुत रिफ्रेशिंग रहता है। तो अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए दस्तरखान।